नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम टीवी खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्मा रही है। उस राजनीति में गर्माने की बजाय यहां पर गठबंधन का टूटना, जुड़ना और साथ ही साथ समय समय पर फेरबदल होता है। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर जो राजनीति की जो एक आधार है, वो आधार यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाओं के सुपुर्द है। व्यवस्था को सुपुर्द इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय समय पर ऐसे घटनाक्रम घटते रहते हैं कि उन्हीं के चलते जो राजनीति उत्तर प्रदेश की लगातार गर्माई रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र में सत्ता की कुर्सी पाई जा सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हमेशा से ही देश में चर्चित होता रहता है। अगर आज के मुद्दे की बात करें तो यहाँ मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर सपा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने जब प्रसपा बनाई, उसके बाद लगातार माना जा रहा था कि इस प्रसपा का आगे वाला कदम क्या होगा। प्रसपा अकेले लड़ेगी, यहाँ का गठबंधन करेगी, चर्चा का विषय रहा। खैर, जो यहाँ पर प्रसपा से उम्मीद जताई जा रही थी, उसी उम्मीद के चलते प्रसपा ने 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। हालांकि जो परिणाम रहे, जो सीट मिली, उससे कहीं ना कहीं टीस जरूर रही थी। उसके बाद से लगातार टीस चली आ रही थी और टीस चलते चलते जब यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की बात चल रही थी, जब वो यहाँ पर लखनऊ आई थी, तब उनके लिए जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें भी तमाम लोगों की मौजूदगी से साफ हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर गंभीर होने वाला है। और गंभीर होने के चलते यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव, जो कि सपा प्रमुख हैं, और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच में जो जुबानी जंग चलती चली आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक बार स्पष्ट की कि हम यदुकुल पुनः जागरण मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जो कुर्मी, जाट, लोधी और तमाम OBC जातियों के लिए काम करेगा, जो किसानों की समस्या भी सुलझाएगा, बेरोजगारी की समस्या भी सुलझाएगा, गरीबी पर भी बात करेगा और साथ ही साथ अही रेजिमेंट के माध्यम से तमाम ऐसे काम हैं जो हमारे देश में अब तक नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाएगा। पर कहीं ना कहीं जब ये यदुकुल पुनः जागरण मिशन की जब परिकल्पना उन्होंने आज बताई है, तो एक बात स्पष्ट कहीं ना कहीं होती है कि इस यदुकुल पुनः जागरण मिशन का जो उद्भव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 24 का और निकाय चुनाव में एक बड़ा दखल दे सकता है। क्योंकि अगर यादव की वोट बैंक की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है, पर अगर इस वोट बैंक पर शिवपाल सिंह यादव एक अलग दृष्टि बनाए हुए हैं, पुनः जागरण मिशन करने वाले हैं, यादव बिरादरी को एकजुट करने का काम करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा अनदेखी होने वाली है जो अन्य पार्टियों में, जो कि अब एक विशाल का रूप लेने वाली है। और साथ ही साथ इस पर भी आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो जाएंगे। तो फिर शिवपाल सिंह यादव की कुछ जो बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस मिशन के जो अध्यक्ष हैं डीपी यादव जी, उन्होंने बताया है कि हमारा जोड़ने का मतलब है, सबको जोड़ेंगे। बहुत सी जातियां हैं यदुकुल में, बहुत सी जातियां हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये अभी तो मुझे इतिहास पढ़ना है, आप लोगों भी इसकी जानकारी ले लेना। हमारा जोड़ने का मतलब है और समाज में जितनी भी अभी बुराइयां हैं और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जो अभी भरत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहिर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है MSP किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे, तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि समाज को जगाने, इकट्ठा करने और एक मुहिम चलाने की बात यहाँ पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कही।
पर सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव से पहले और 2024 के चुनाव की जहां पर लगातार रणनीति बनाई जा रही है उसके पहले शिवपाल सिंह यादव का इस तरह से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत करना उद्देश्य क्या है? हालांकि उद्देश्य अलग अलग बताए गए हैं पर कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। इस मिशन के माध्यम से शिवपाल सिंह यादव की क्या मुहिम है, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यादव वोट बैंक रहा है वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है और महत्वपूर्ण विषय है। चर्चा पर सारे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा के रूप में विवेक चंद श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी पार्टी प्रवक्ता के रूप में सहीमा मोहन टकी हमारे साथ मौजूद है, पवन श्रीवास्तव भी वरिष्ठ पत्रकार रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इखलाक प्रवक्ता प्रसपा के रूप में हमारे साथ मौजूद है और प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक खान अपनी पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा तारिक भाई से रहेगा। तारिक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी तारिक भाई, क्या मानते हैं यहाँ पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन? हालांकि कोई नया दल नहीं बनाया, दल तो उनका पहले से है, पर एक जो एक संशय जरूर है कि अगर ये यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की है, रेजिमेंट बनाएंगे, 10 प्रमुख उद्देश्य रखे हैं लोग जो यदुवंश से उसको जोड़ने की इन्होंने कवायद की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव रहेगा वो समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में जो चुनाव लड़ेगी उसके जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं प्रभाव उसका नज़र देखा जाएगा, क्या मानते हैं? तारिक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तारिक जी, तारिक खान जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है सर। तारिक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, तारिक भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हम प्रवक्ता भाजपा को विवेक श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। विवेक भाई, क्या मानते हैं शिवपाल सिंह यादव मिलते भी हैं, चर्चा भी होती है और लगातार वो प्रयास करते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, पहले गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और बाद में जो स्थिति हुई, जो आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे और जो हश्र हुआ उसके बाद आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, क्या मानते हैं, क्या लक्ष्य है और क्या आने वाले समय में सपा को इससे नुकसान हो सकता है? जी, के पूर्व में डीपी यादव के साथ भी समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने कुछ ऐसा ही किया था। डीपी यादव जी उसके बाद गिरफ्तार होकर जेल चले गए थे, मुकदमे छूटने के बाद आए हैं और इस बैठक से ये दोनों लोग अपने लिए जो जमीन खोई थी उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं सच्चाई है जी, और उस में अगर अपनी जमीन तलाशने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये विषय है, बात का है जी। फिलहाल उसी दिशा में ये लोग प्रयास कर रहे हैं जी। डीपी यादव जी और शिवपाल यादव जी जी दोनों लोगों की आवश्यकता ये है कि किसी तरह हम राजनीति में जो चाहते हैं वो पा जाएं जी, हमारी जो अगली पीढ़ी उसको हम कुछ दे के जाएं जी। आज इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है जी, और जिन मुद्दों पे ये चर्चा कर रहे हैं कभी भी इन मुद्दों पे ये लोग सत्ता में रहते इस पे चर्चा नहीं की जी। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे जी, तो उन्होंने एक बार अहिर रेजिमेंट की चर्चा की थी लेकिन वो तमाम कारणों से वो चर्चा खारिज हो गई थी जी। और अब जिन मुद्दों को लेकर के पुनः से आ रहे हैं जी, देखिए उस पर क्या प्रतिक्रिया रहती समाज की, अन्य समाज की, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि पिछड़े तबके में अन्य जातियों की हिस्सेदारी मारने में जी यदुकुल ही आगे रहा जी, यादवों के चलते अन्य जातियों को उनका उचित लाभ नहीं मिल सका जी। वो जातियाँ कैसे इनके साथ सामंजस्य बिठाएंगी जिन जातियों का ये नाम को उल्लेख कर रहे हैं जी, और जब ये सत्ता में रहे तब इन्होंने दो चार जिलों को छोड़ करके अन्य प्रदेश के जी अपने
वर्ग या जाति के लोगों के लिए क्या किया वो सबके सामने चीज़ें हैं जी। ऐसे में वो लोग किस तरह से इनके साथ जी सामंजस्य बिठा पाएंगे, ये भी चिंतन का विषय है। फिलहाल समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, करना चाहिए। अब इसके क्या परिणाम होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। जहाँ तक ये लोग अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे उसमें भी कितनी सफलता मिलेगी ये भी आगे वक्त बताएगा जी। हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, प्रयास करते रहें। बाकी इसका परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा जी। जी अभी भाई सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मीद की जा रही थी कि क्या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या किसी के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाने की भी चर्चा चल रही थी, पर सभी जो है कयासों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था के चलते यदुकुल पुनः जागरण मिशन की शुरुआत कर दी है। क्या मानते हैं कि जो आपके आप लोगों के साथ एक जो लगातार देख रहे थे कि कुछ नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उन नज़दीकी के बाद कुछ इस तरह की जो घटना हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिशन शुरुआत कर दिया है, क्या मानते हैं? देखिए गौरव जी, हम लोगों के साथ मिलने जुलने या नज़दीकियों का विषय नहीं, वो जनप्रतिनिधि हैं जी। और समाजवादी पार्टी को बनाने में, यहाँ तक लाने में उनका बड़ा योगदान रहा शिवपाल जी का जी। और एक कद्दावार नेता रहे। हालांकि अखिलेश यादव जी ने उनके कद को छोटा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जी। 35 टिकट मांग रहे थे, एक टिकट पकड़ाया, वो भी उस सीट से जहाँ पे वो तो उनके नाम पे सीट निकल जाती है जी। बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ जी। वहाँ पे उनको टिकट देने ना देने कोई मतलब नहीं था, वो तो उनके नाम पे एक समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट बढ़ा ली जी। रही बात जी जिस तरह से उनके कद को काटने छाटने का काम किया है जी, आज इसी कारण से उनको इस तरह के समाज के बीच जाकर के जी नए सिरे से प्रयास या काम खड़ा करने की आवश्यकता पड़ रही है जी। अच्छी संकेत है वो, अगर समाज पे जमीन पे जाके काम करना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी आगे राजनीति किधर जाएगी ये तो वक्त कभी फैसला करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तारिक भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? तारिक भाई, शिवपाल सिंह यादव यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है यादव, और अब शिवपाल सिंह यादव इस यदुवंश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे। वो कह रहे हैं कि अलग अलग हो गए थे, अब इनको एकजुट करना है, अही रेजिमेंट बनानी है और लोधी कुर्मी चाट और ओबीसी जातियों को एक करना है और देश के तमाम लोगों के लिए काम करना है, बड़ी समस्याओं के लिए, किसानों के लिए भी काम करना है, रोजगार भी मिलेगा और तमाम उद्देश्य उन्होंने इस मिशन के तहत रखे हैं, क्या मानते हैं? अब देखिए किससे लड़ेंगे, किससे? समाजवादी से जी, भाजपा जी। सवाल यहीं पे उठ जाता है कि लड़ेंगे किससे जी? लड़ने के लिए आए समाजवादी। अब आप बात समझिए कि आप इन्हीं मुद्दों पे, यही तो मुद्दे समाजवादी भी कहते हैं, समाजवादी कहती है जातिगत जनगणना करा दीजिए, रेजिमेंट की डिमांड पुरानी है, युवाओं की, तो आप इन डिमांडों को लेकर किससे लड़ने आए? समाजवादी से ही लड़ने आए, और अगर भाजपा से लड़ने तो स्वागत है जी, तो स्वागत है। अगर इन मुद्दों पे कोई भी आता है जी, तो और वो भाजपा के सामने इन मुद्दों को एक चैलेंज की तरह रखता है और लड़ाई करता है तो उसका स्वागत है। लेकिन पिछले घटनाक्रम जो है कुछ दिन पहले जी, कुछ महीनों पहले के, ये नहीं दिखाते कि ये भाजपा से लड़े। अच्छा, मेरी बात समझ गया जी? ये घटनाक्रम नहीं दिखाते हाँ, कि ये भाजपा से लड़ने जी। डीपी यादव साहब को साथ में लेके आए, ये वही डीपी यादव साहब है जी, जिनके टिकट के लिए 2012 में आपको पता होगा अखिलेश साहब ने बहुत जबरदस्त भी जी कि इनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, पार्टी से बाकायदा ज्वाइनिंग की काफी जी, और सब पार्टी में रह चुके, भाजपा में भी रह चुके, निकाला अभी 14 में आप हमारे अमित शाह साहब के पास मैनिफेस्टो भी दिखाई दिए थे, जी बिल्कुल, मामला था कुछ, फिर बाद में कैंसिल हो गया होगा। खैर, ये सब राजनीतिक चीजें चलती रहती है, लेकिन अगर यहाँ मूलभूत समस्या ये है कि आप जो अभी थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, पीछे जाइए, तो इनका जो मतलब इनकी जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न प्रो भाजपा दिखा है गौरव। अच्छा जी, तो जब प्रो भाजपा है तो लड़ने किससे आए? समाजवादी से लड़ने आए, और अगर समाजवादी से इन्हीं मुद्दों पर लड़ने आए हैं तो इसका मतलब है कि जो मूलभूत सिद्धांत है समाजवाद के और जो मूलभूत लड़ाई है भाजपा से जी, जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, आप उसको कमजोर करने के लिए आए हैं, ना कि उसको ताकत देने के लिए, नुकसान करने आए हैं। आपको लड़ने, अगर आपको
भाई वाकई में लड़ लीजिए, तो वाकई में स्वागत योग्य कदम है शिवपाल साहब का। आप बिल्कुल लड़िए, लड़िए लड़ाई, यही तो समाजवादी की लड़ाई है मूलभूत। और अखिलेश साहब ने भी कहा था कि कोई विवाद नहीं है शिवपाल साहब से। अच्छा, मगर मैंने भी इससे पहले गौरव भाई सवाल यही उठाया था कि आप भाजपाई हो जाएंगे, आपकी हृदय परिवर्तन हो जाएगा और लोहिया और जेपी की बातों को आप भूल के आप भाजपाई हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो स्वागत है, आप आइए। पर तारिक भाई, दस को पुराने नेता को केवल एक सीट, ये जस्टिफाई कैसे होगा भाई? दस को पुराने नेता हैं, बड़ी मेहनत की है और उनको केवल एक सीट। एक सीट उस टाइम पे देखिए ऐसा था जी, उससे ज्यादा सीटें तो उन्होंने महान दल और उससे ज्यादा सीटें तो ओम प्रकाश राजभर जी को दे दिया। जी चाचा जी को मंत्रालय दिखा था तो आए भाई, हमने कहीं जबरदस्ती की? अच्छा, हमने कोई जबरदस्ती की? देखिए राजनीति में जबरदस्ती नहीं होती। आपका मन था आप चले गए, राजभर साहब को कोई रोक पाया जाने का मन था? तमाम बसपा के नेता 50% बसपा टूट के समाजवादी में आते। अच्छा, इंद्रजीत सरोज से शुरू करिए और रामाचंद्र राजभर पे खत्म करिए जी, तो कोई रोक लिया क्या? किसी को कोई रोक नहीं पाता जी। यहाँ पर यही बात है कि आपकी विचारधारा हृदय परिवर्तन कितना हो रहा जी, और जो इधर कुछ दिनों में दिखा है। अच्छा, जहाँ तक सीट की बात है तो क्या जबरदस्ती की गई थी? बातें हुई थी समझौते की बात, ठीक है, उसमें सारा कमेंट करने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अगर इन मुद्दों पे आ रहे लड़ने के लिए तो स्वागत है गौरव भाई, स्वागत योग्य। ठीक है, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में इखलाक भाई जुड़े हुए। नेता भाई, इखलाक भाई, क्या मानते हैं आपने तारिक भाई की बात सुनी कि स्वागत है अगर लड़ने आ रहा है, बीजेपी से लड़ने आ रहा है तो स्वागत है, और अगर बीजेपी से लड़ने नहीं आ रहे हैं तो फिर संदेह है? देखिए गौरव भाई, मैंने बात सुनी इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से, और समाजवादी पार्टी और इनके लोग को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, इन लोगों की गलतफहमी यही है कि इनको केवल यही दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से केवल यही लड़ रहा है। अच्छा, और अगर लड़ रहे हैं तो दिख कहाँ रहा है? क्या केवल ट्विटर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ेगी, या फेसबुक के माध्यम से समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी? ये लोग चिल्लाते कम है, काम कुछ नहीं, चिल्लाते ज्यादा है, काम कुछ नहीं करते। इन्होंने बात कही हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को, आपने जब इनसे प्रश्न पूछा तो कुछ बोल नहीं पाए। तब इन्होंने कहा कि आदरणीय शिवपाल साहब को मंत्री पद दिख रहा था तब वो समाजवादी पार्टी, वो तो कह रहा बुलाया नहीं था, खुद आ गए थे बोल रहे हैं। मैं गौरव जी बताऊंगा, ये आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है कि उनके यहाँ कौन गया था। तो कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ ये चीज की आदरणीय अखिलेश यादव को सीएम पद की चाहिए था, इसलिए वो आदरणीय के पास गए। पर इखलाक भाई, यहाँ पर बात ये भी है ना कि यहाँ पर डेट तो शिवपाल सिंह यादव बार बार दे रहे थे कि हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। तारिक भाई, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कहा था हमेशा की तरह कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ हो जाए जी, और उसके लिए जो त्याग करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो करेंगे जी। उन्होंने तो एक सीट पे भी समझौता कर लिया, ये आप भी इस बात को कह रहे हैं, और अन्य दलों को कई सीटें समाजवादी पार्टियों ने दी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने हमेशा से कहा कि समाजवादी पार्टी के जितने विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ आ जाए जी, और भारतीय जनता पार्टी को तभी रोक सकते हैं जी। तो उनका यही सिद्धांत था। और समाजवादी पार्टी, देखिए जो नई समाजवादी पार्टी है इसके बारे में तो शायद उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक जान चुका है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी काम करने वाली पार्टी नहीं रहेगी, ये केवल इनको यही लगता है कि बीजेपी को यही हरा सकते हैं जी। गौरव भाई लड़ने जो काम करेगा वो इनका साथी है, जो इनके लिए काम नहीं करेगा वो जवाब लेता हूँ। तारिक भाई, जवाब लेता हूँ आपसे जी। धरना प्रदर्शन रोड पे हम करें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महंगाई पे हम बोले जी, और उसके बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और ये भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, ये बात बताइए, जो आही रेजिमेंट बनाया है और यदुकुल पुनर्जागरण मिशन शुरुआत की है, ये जो वोट बैंक है ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है, क्या इस वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रयास है? देखिए, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन जो बना ऐसे मोर्चे, सबसे पहले हम सब के आदर्श नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब ने बनाया था, और उन्हीं के आदर्शों को देखते हुए आज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, डीपी यादव साहब और विजय रामपाल यादव जी, यही सब लोग ने मिलके इस चीज को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन बनाया है जी। इसमें सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ हुए। अच्छा,
और इसको इसकी जो सिद्धांत है, देखिए आज हमारे नेता आदरणीय शिवपाल साहब ने भी कहा कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, वर्मा समाज के लोग हैं, सभी शोषित वंचित पिछड़ों की लड़ाई इस मंच के माध्यम से भी वो लड़े। तो इसको फिर जरूर नाम क्यों दिया आप भाई, आपने इसको सरद धर्म सरद जाति जागरण मिशन नाम देना चाहिए था भाई आपको। आज की मीटिंग में भी उन्होंने ये चीज कही थी कि देखिए इस नाम पे मत जाइए, केवल ये यदुवंशियों का पुनर्जागरण मंच नहीं है, सभी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग जितने भी शोषित वंचित है उनका ये मंच जी। इस मंच के माध्यम से हम उन सभी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। तो तारिक भाई को क्या दिक्कत हो रही है भाई, आपके अगर ये जागरण मिशन आप शुरुआत कर रहे हैं, तारिक भाई को क्या दिक्कत हो रही है, इनको क्या कष्ट है? तारिक भाई या समाजवादी पार्टियों को तो हमेशा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब से दिक्कत है, जब से वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। अच्छा, नई बात नहीं है। अच्छा। वो इस कद के नेता है, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, आज तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी तकलीफ हो रही है जो ये मंच या मोर्चे के माध्यम से निकाय चुनाव पास में है, 24 चुनाव पास में है, और शिवपाल सिंह यादव को मास्टर स्ट्रोक मानेंगे क्या इसको, यदुकुल पुनः जागरण मिशन? देखिए भारतीय जनता पार्टी आज की राजनीति परिवेश में मंथरा का रोल हर जगह प्ले कर रही है, हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसे लोगों को ढूंढ लेती है, इससे उस पार्टी के अंदर जो अच्छी पार्टी है उसके अंदर मतभेद हो जाए, पार्टी टूट जाए, लोग अलग थलग हो जाए, जिससे इनको अपने राजनीतिक सिद्ध राजनीतिक जो इनके लक्ष्य है उसको हासिल करने में आसानी हो। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, आपने अभी देखा शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे को देखा आपने, आपने गुलाम नबी आजाद को हाल में देखा, आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास को बहुत हवा दी गई, गुलाम नबी आजाद वो तो अपने लेकिन ऐसे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि ये अपनी विपक्षी पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ करके उनको भंग कर दें, ताकि इनकी जो इनका जो लक्ष्य है राजनीतिक लक्ष्य उसको ये आसानी से हासिल कर सके, तो ये हर जगह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कवायद जो है ये है कि इसको कैसे कहें, ज्यादा नुकसान जो है वो अखिलेश यादव को पहुंचाया जाता है, अखिलेश यादव की सीटें जो आई हैं उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी आई हैं, और हर बार कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। अच्छा। और ये 80 सीटों का जो ख्वाब देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज इनको लखनऊ में उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, तो कैसे ओबीसी वोट बैंक को जो है वो हटाया जा सके, भटकाया जा सके, बहकाया जा सके और अपना रास्ता निकाला जा सके दिल्ली का। तो हमारी पार्टी क्या करने वाली भाई, अगर 35,000 बूथ कर लक्ष्य रखा है उन्होंने चुनाव के लिए और 35,000 बूथ देखिए हिंदी साथ जाएंगे, हमारी पार्टी कैसे भाई प्रयास करेगी? देखिए जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं जी, आप मध्य प्रदेश देख लिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार जोड़ तोड़ के बनाई, राजस्थान में तोड़ने की कोशिश करी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं, झारखंड में इनकी सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा, अभी आप दिल्ली में सरकार नहीं, पंजाब में इनकी सरकार नहीं आई, तो महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाई, तो बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, और भारतीय जनता पार्टी को ये केंद्र के जो ख्वाब देख रहे हैं वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं देखते हुए। और अभी आम आदमी पार्टी भी आगे बड़ी गुजरात में इलेक्शन होने वाली है, वहां सर्वे बता रहे सारे न्यूज चैनल के कि कोई पार्टी जो रोक सकती है भाजपा को वो आम आदमी पार्टी है, और हम हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है 2024 के चुनाव में इनकी सरकार इनको बनती हुई नहीं दिख रही है, इसीलिए सब पीछे से बैकडोर से ये सारे काम हो रहे हैं, ताकि जो है जो वोटर है उस वोटर को जो परमागत वोटर है उस वोटर को कहीं बहका के गुमराह करके रखा जाए। और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी भी जो है अपने वोट बैंक को एक साथ रखने में नाकाम हुई है, और उसको इस पे विचार करना चाहिए कैसे वोट बैंक साथ रखा जाए। और जो बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी से लड़ने में सबसे ज्यादा तो असफल समाजवादी पार्टी हो रही है, जिससे जो वोट बैंक है वो एक तीसरे विकल्प की 111 सीटें लेके आई है, विपक्ष में बैठी हुई असफल कहा रही भाई। लेकिन जो इन्होंने जो कहा था कि भाई अखिलेश यादव तो पूरी तरह से जैसे चुनाव आगे बढ़ा था उत्तर प्रदेश का बहुत से लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए थे, अखिलेश यादव जी मान चुके थे समाजवादी सरकार आ गई पहले से। अच्छा। उसी का उनको झटका लगा, अगर ये ना माने होते कि मैं सरकार गंभीरता पूर्वक काम किया होता, टिकट सही से बांटे होते,
तो इनको ये परिणाम नहीं पकड़ना पड़ता। तारिक भाई बताएंगे क्या परिणाम है। तारिक अखिलेश यादव जी का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उनको जो है उत्तर प्रदेश में लेकर पहुंचा, उससे भाजपा को फायदा हुआ। चले ठीक, तो अब जो विकल्प के रूप में दिख रहा है वो आम आदमी पार्टी 2024 में दिख रही है, वही जो है लोगों के सपनों को पूरा करेगी, वही अच्छी शिक्षा देगी, स्वास्थ्य की बात करेगी, महिलाओं को सम्मान करेगी, जनता को उसके अधिकार देने में सिर्फ आम आदमी पार्टी कारगर होगी, और वही 2024 में देखिएगा उभर के सामने आएगी मजबूत जी, एक मजबूत पक्ष के रूप में। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पवन श्रीवास्तव जी बैठे हुए। पवन भाई, सारा घटनाक्रम आपके साथ में, और आपने तो यहाँ पर ऐसी ऐसी घोषणा और ऐसी ऐसी दूरदर्शिता की बातें की थी, वो आने वाले समय में देखने भी मिल गई। क्या मानते हैं जो इस तरह से यहाँ पर यदुकुल पुनः जागरण मिशन की शुरुआत की है प्रसपा ने, क्या मानते हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यहाँ पर जनता के लिए है या उद्देश्य राजनीतिक है? गौरव जी, ये महागठबंधन की एक प्रक्रिया है जी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं जी। हमारे बीच में जितने भी प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं जी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए आप जी, ये एक गठबंधन की प्रक्रिया है जी। अपने आप को निखार ला रहे हैं, अच्छा, कौन कितने लेवल पे है, कितने सीटें किसको मिलेगी, 4 सीटें 6 सीटें 10 सीटें जी, ठीक है, इसके लिए क्रियाकलम चालू है जी। जिस तरह से अपने आप को मजबूत दिखा दे पाए जी, चाहे अगर हम शिवपाल जी की बात करें, शिवपाल जी बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, बिल्कुल। और इनको धोखा मिला है, बहुत बढ़िया धोखा मिला है माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिस तरह से इनको दे पाए हर चीज वो किया इनके साथ में, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब शिवपाल जी की नजर केवल आदित्य पे है, उनका जो बेटा है प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, उनको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि अगर प्रदेश में महागठबंधन हो रहा है तो महागठबंधन में अगर इनको 6 सीटें 8 सीटें भी मिल जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए जी, तो अगर 1 सीटें 2 सीटें भी अगर ये जीत करके आ जाते हैं, 1-2 सीटें तो शिवपाल जी की है जी, वो जहां से लड़ेंगे वो उनका उतना वजूद है, उतना उनके पास लोग हैं कि कुछ सीटों पे इनका अच्छा हस्तक्षेप होगा, तो 1-2 सीटें अगर ये निकाल ले जाएंगे फिर वो किसके साथ आते हैं तो समय बताएगा, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, जो महागठबंधन होना है जी, निश्चित है होना है, ये हम आप सभी देखेंगे, समय बताएगा, एक साल बाकी है, उसी की पहली प्रक्रिया है। अब इस उत्तर प्रदेश में एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जो जमीनी स्तर पे हम पिछले 3-4 माह से देख रहे हैं, जमीनी स्तर पे जो काम कर रही है, वो चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, अखिलेश जी की बहन जी की पार्टी हो, ये सब धराशायी दिख रहे हैं बूथ स्तर पे। अब इधर अखिलेश यादव जी पिछले 1 महीने से भागदौड़ करना शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी वो चीज नहीं आया है। जब तक राजनीति में आप सम्मान करना नहीं सीखेंगे, समझिएगा, अपनी बातों का अगर वचन का आप नहीं रखेंगे ख्याल, तो सफलताएं इतना आसानी से मिलता नहीं है। देखिए, माननीय नेताजी ने गद्दी बनाई उत्तर प्रदेश की, माननीय अखिलेश जी आए, मुख्यमंत्री बन गए, मेहनत करना पड़ेगा। आप भाजपा का अगर विरोध में जा रहे हैं, भाजपा की तरह अगर आप उनको हराना चाह रहे हैं, भाजपा कोई लिखा के थोड़ी आए कि हम राज करेंगे, भाजपा को आप जब चाहेंगे तब हरा देंगे, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हो, लेकिन उनको हराने के लिए भाजपा की तरह काम करना होगा, राजनीति में मेहनत करना होगा, संगठन में आगे बढ़ना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, हर तरह के कार्य करने होंगे जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो जातियों की राजनीति होती है, आज जो हमने देखा, ये यदकुल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मकसद इनका था कि जो हमारे पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए हम राजनीति करेंगे, वो भी वही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करिए, वो भी वहीं पे आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात करिए, वो भी वहीं आ रहे हैं, हम भाजपा की अगर बात करें तो वो भी वहीं आ रहे हैं। आज ये हो क्या रहा है, क्या केवल पिछड़ी जातियों में ही गरीब है, पिछड़ी जातियों के ही लिए खाने के नहीं है? आप सर्व जातियों को देखिए, आप बहुत सारे ब्राह्मणों को देखेंगे जो खाने को तरस रहे हैं, भोजन नहीं नसीब हो रही है, क्षत्रियों को देखेंगे नहीं मिल पा रहे, क्या वो गरीब नहीं है? मुस्लिमों को देखेंगे वो गरीब नहीं है? हम ये नहीं कह रहे किसी का विरोध करें, वो समय की मांग थे, वो संविधान था जब बाबा अंबेडकर जी ने हमारे लिए उस संविधान में किया था कि जब तक वो आगे बढ़ जाएं वो हमारे समकक्ष हो जाएं फिर उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज राजनीति इतनी हावी हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि वो किसी स्तर पे जाकर के राजनीति करेंगे। आप किसी भी बड़े माफिया, सॉरी मतलब कुछ शब्द ऐसे निकल रहे हैं लेकिन हम रुकना चाहेंगे कि माफिया शब्द जो है उचित नहीं बैठेगा। अगर हम कहेंगे कितने भी गंदे व्यक्ति को आप ले आइए,
किसी भी गंदे व्यक्ति को आप ले आइए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दीजिए, वो पाक साफ हो जाएगा, गंगा जी हो जाएगा। इसमें ये नहीं होना चाहिए आज, लेकिन पिछले जब से हमारे यहाँ आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई है, हम देख रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है कि जितने भी अपराधी हैं उन पे अंकुश लग रहा है, अपराध कम हुआ है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी दंगा नहीं हुआ, एक दंगा पूरे प्रदेश में हुआ है, समझिएगा 21 में वो भी 22 चल रहा, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें सभी दल को समझना होगा, जात से उठ करके राजनीति करें, सब लोग मेहनत करें, भाजपा को हराएं, अखिलेश जी मेहनत करेंगे तब हराएंगे, ट्विटर गेम खेल करके भाजपा का मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक ठीक, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है विवेक भाई, कानपुर दंगा किस में होता भाई? विवेक भाई जी, तारिक भाई बोल रहे थे कि अगर भाजपा से लड़ने आ रही तो ठीक है मिशन बनाए, एकलाख भाई बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम तो भाजपा से ही लड़ने आ रहे हैं, जो समाज की बात करेगा हम उसके साथ में हैं और समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। क्या मानते हैं क्या बड़ी चुनौती साबित होंगे, आपके साथ में आएंगे या फिर आने वाले समय में यही नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है? देखिए गौरव जी, आए आगे बढ़ें, समाज का काम करें, लोगों को जोड़ें, इसमें भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। जिन मुद्दों को लेके वो बात कर रहे हैं उन मुद्दों में, तमाम मुद्दों पे जब वो सत्ता में रहे तब उन पे उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं फिर दोहरा दूं कि अहिर रेजिमेंट की चर्चा मुलायम सिंह यादव ने बतौर रक्षा मंत्री रहते की थी, लेकिन वो भी सिरे से खारिज हो गई। उसके बाद दोबारा कभी मुलायम सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल अहिर रेजिमेंट का नाम नहीं लिया। आज किन परिस्थितियों में इनको अहिर रेजिमेंट की याद आ रही है तो खुद बता सकते हैं। ऐसे तमाम विषय हैं, बात अन्य जातियों की कर रहे हैं और नाम रख रहे हैं यदुकुल, कैसे अन्य जातियां इस यदुकुल से सामंजस्य बिठा पाएंगी ये भी चर्चा का विषय है, आगे देखा जाएगा। फिलहाल जो काम वो कर रहे हैं हमारी पूरी शुभकामनाएं उनमें है जी, और अपना काम करें जी। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना लादना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने उन 35,000 बूथों पर जो हम टारगेट में है हमारे उस पर हम काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं कैसे उसका लाभ सीधे जनता तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे और जनता उससे लाभान्वित, तो उसकी चर्चा हो जनता के बीच, और नहीं अगर कहीं से कोई रुकावट आए तो उस रुकावट कैसे दूर किया जाए, हमारा प्रयास इस दिशा में है। और जिन बूथों पे हम कमज़ोर उनको कैसे मजबूत करें, कैसे हम 2024 में 80 सीटों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ने हमको दिया है, उस लक्ष्य पर काम करते हुए कैसे हम 80 सीटें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल करके उनको दोबारा प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाए, हमारी चिंता इस दिशा में है। हम इन सब चीज़ों में उलझने वाले नहीं हैं, जिसको जो करना है करें, हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। अब रही बात कि भाजपा का विरोध, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह ज़मीन पर उतरना होगा, और जिस तरह से हम 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं, उस इच्छा शक्ति के साथ बीजेपी के सामने खड़ा होना होगा जी। तो ये मुझको लगता नहीं विपक्ष के लिए संभव है जी। विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, जिस तरह से आपस में विपक्ष गुटबाजी का शिकार है, और इस सारी गुटबाजी में सबसे बड़ी रोड़ा हमारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस गांधी परिवार का मोह त्याग नहीं सकती, उससे आगे गांधी परिवार के आगे कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है। विपक्ष की सारी एकता में पलीता लगाने का काम कांग्रेस कर देती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने नेताओं के चेहरे पर, अपने पार्टी के, अपनी सरकार के काम पे जनता के बीच जाते हैं, जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद मांगते हैं, और अभी तक कानमोह के तमाम चुनावों में जनता ने हमें आशीर्वाद बार बार दिया है। हमें पूरी उम्मीद है जनता में फिर आशीर्वाद देंगे, फिर प्रचंड बहुमत से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। तारिक भाई आपकी बारी है भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप एकलाख भाई को, बाकी को एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि गरीब की बात होनी चाहिए, जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 100% सहमत हूँ और बहुत अच्छी बात कही है, मैं तारीफ करूंगा उन्हें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड सेट तो सत्ताधारी ढल करता है ना। अब इन्होंने ट्रेंड तो भाजपा ने ही जातियों की राजनीति का सेट किया है, अध्यक्ष बना हुए जाति देखकर, डिप्टी सीएम बनाया दो जातियां देखकर, उनके चीफ मिनिस्टर भी जातियां देखकर बनाई है, और तमाम पद वो जातियां देख के ही बनाए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जातियों से ऊपर उठकर मोदी साहब ने कहा था जनता ने वोट दे दिया, मगर आपने काम नहीं किया, पकड़ा नहीं है, ये समस्या आ रही है। अब शिवपाल साहब में फिर से वही पहुंच रहा हूं कि शिवपाल साहब किसके लिए काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे या उनके खिलाफ काम करेंगे।
अभी तक तो मुझको यही दिख रहा है कि उन्हीं के लिए काम करें, क्योंकि किसी तरीके से आपको जो सत्तारूढ़ी दल है अगर उससे दिक्कत है या लग रहा है आपको कि उनकी पॉलिसी जनहित तक नहीं पहुंच रही या बेरोजगारी की भी उन्होंने बात की, युवाओं के से जुड़े हुए मुद्दों की उन्होंने बात की, तो इन सब मुद्दों को कैसे उठाएंगे, कहां उठाएंगे? विधानसभा में तो आप है नहीं, बाहर कैसे उठाएंगे, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया। क्या शिवपाल जी विधानसभा में नहीं है? मैं कह रहा हूँ विधानसभा में वो अकेले हैं। अकेले बस क्या बात कर रहे हैं? अभी तक समाजवादी पार्टी ने निष्कासन तो किया नहीं है। समाजवादी पार्टी ने क्या शिवपाल सिंह यादव जी का निष्कासन कर दिया? तारिक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, ये आपका आधिकारिक बयान है। क्या समाजवादी पार्टी ने शिवपाल जी का निष्कासन कर दिया कि उनको आप अकेला बता रहे हैं? ने खुद कहा कि मैं समाजवादियों के साथ, आपने क्या निष्कासन किया? ये आधिकारिक बयान माना जाए, गौरव जी से स्पष्ट कर लीजिए। नहीं किया तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जो आप अकेले हैं? अध्यक्ष को, अरे भाई आप उसी 111 में शामिल है। श्रीवास्तव जी आप बात नहीं सुनते, यही दिक्कत। नहीं आप सुनाइए, आप सही बात करिए, आप उन्हें अकेला बता रहे हैं। 111 में वो आपके शामिल, आप कह रहे हो अकेले हैं। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। शिवपाल साहब ने खुद कहा, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लेके दी थी कि मैं समाजवादियों के साथ जो विपक्ष का जो खेमा है वहां नहीं बैठना चाहता, अलग बैठना चाहता हूँ। समाजवादी ने उनको नहीं निकाला, वो क्या विधानसभा से है? क्या विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अलग बैठने की व्यवस्था दे दी? नहीं, बैठने की व्यवस्था कहाँ दे दी? वो कहाँ बैठ रहे हैं? मैं विधानसभा में पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन ये आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अकेले हैं? आप ये जब तक निष्कासन ना हो तारिक जी, तब तक आप कैसे कह सकते हैं शिवपाल सिंह यादव सदन में अकेले हैं? समाजवादी के साथ नहीं बैठना चाहता। निष्कासन हो गया, ये बात शिवपाल साहब ने, निष्कासन हो गया होगा, कंफर्म करिए। चिट्ठी लिखकर तो कह रहे नहीं हुआ, हम दोनों बातें कह रहे हैं। निष्कासन हो गया होगा तारिक जी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादी शिवपाल साहब को क्या इन्होंने निष्कासन कर दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने कोई निष्कासन नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिवपाल सिंह कोई भी इनका वो जो नेता है वो विधानसभा में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब है विधानसभा में? हाँ बिल्कुल है। तो आपने फिर कैसे कहा विधानसभा में नहीं है? पहले कहा विधानसभा में नहीं, फिर कह रहे अलग है। आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट तो करिए तारिक जी। हम कहना ये चाहते हैं कि जो मोर्चा बनाया है आपने, वो कैसे कैसे आपने रणनीति नहीं बनाई कि भाजपा के खिलाफ कैसे आवाज उठाएगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो आने वाला समय बताएगा तारिक भाई। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, आने वाला समय हम भी देख रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं इन लोगों को बहुत तेजी से भाजपा से लड़ रहे हैं, बस यही सवाल है। आप समाजवादी नई समाजवादी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको बहुत गौरव जी है क्या, शिवपाल जी के मसले पे समाजवादी पार्टी बहुत कंफ्यूज है जी। और ये कंफ्यूजन तारिक जी के बयान में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले इन्होंने बताया सदन में नहीं है, फिर कह रहे हैं कि अकेले हैं, अलग हैं, हमारे साथ नहीं है, अलग बैठने की व्यवस्था। ये कंफ्यूजन जितने जल्दी हो तारिक साहब दूर कर लीजिए, अखिलेश यादव जी से कहिए कि दूर कर ले। चलिए अखिलेश भाई अपनी बात पूरी करिए। जी कोई कंफ्यूजन, मैं गौरव भाई आपसे थोड़ा टाइम चाहूंगा। बोले बोले बोले। देखिए अभी तारिक भाई ने कहा कि वो आवाज कहाँ उठाएंगे, यदुकुल जो समाज मिशन मोर्चा बना है ये आवाज कहाँ उठाएगा? क्या पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आवाज उठाने के लिए क्या विधानसभा है? हम रोड पे सड़क पे जनता के बीच आवाज उठाएंगे। अच्छा, और विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब आवाज उठाएंगे। समाजवादी पार्टी को यही चीजें बहुत बुरी लगती है कि इनके आगे कोई आ गया या इनके आगे कोई जनता के लिए चल रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगता है। पुनर्जागरण तो मिशन भाजपा के खिलाफ क्या रणनीति है? अब कह तो रहे भैया भाई सुन लिए, भाई सुन लीजिए जी। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन है, देखिए इसमें आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब है, आदरणीय डीपी यादव साहब है, पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव जी है, पूर्व विधायक विजय यादव जी है, पूर्व विधायक रामपाल जी यादव जी है, यही सब जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं ये सब इस मिशन में हैं। जी। और जितनी भी अल्पसंख्यक पिछड़े वंचित शोषित लोग हैं जी, उनकी हम इस मोर्चे के माध्यम से और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आवाज उठाएंगे जी। और रही बात अभी इन्होंने कहा, तारिक भाई ने बात कही कि ये बीजेपी से लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ यही सवाल है। हम दोनों से लड़ रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ, चलिए क्लियर हो गया, दोनों से लड़ रहे, चलिए ठीक है, सुन लीजिए गौरव भाई, बात कंप्लीट खत्म कर लीजिए जी भाई, बोलिए बोलिए। समाजवादी पार्टी से हम क्यों लड़ रहे हैं जी? पहली तो लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से मैं बता दूं जी, क्योंकि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सत्ता में बैठाया जी, गरीब ने वोट दिया, वंचित ने लोग दिया, या तो समझ ले सारे समाजों ने वोट दिया जी। आज अगर वो परेशान है, बेरोजगारी को लेके परेशान है जी, युवा महंगाई को लेके परेशान है जी, किसान हमारे एमएसपी को लेके परेशान है, या और भी चीजों परेशान है, तो हम ये लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से जी ठीक। और समाजवादी पार्टी से क्यों लड़ाई है? जो 111 सीट समाजवादी पाई है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिया, बिना वोट से समाजवादी पार्टी नहीं आ गई 111 सीटों पे। तो क्या समाजवादी पार्टी जिन्होंने इनको वोट दिया उनकी बात उठा रही है? अच्छा, जिन बिरादरियों की बात करते हैं, यादव समाज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, क्या उन हो रहे बिरादरियों पे अत्याचार को समाजवादी पार्टी उठा रही है जी? ना जाने कितने आपराधिक मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता या यादव समाज समाज पे लिख दिया जाता है जी, कहां रहती समाजवादी पार्टी उस वक्त जी? इसीलिए मैंने कहा कि हमारी लड़ाई दोनों से जी, भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से भी है ठीक है। और आज के जो यदिकुल पुनर्जागरण मिशन पे हम सब हमारी पार्टी के जो जवाब ले रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर इस समाज ने अपना पसीना बहाएगा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना खून बहाएगा सबको सामाजिक न्याय दिलाने के। चलिए चलिए प्रवक्ता सभा तारिक भाई अपनी बात पूरी करिए, तारिक भाई कुछ कहना चाह रहे थे भाई? गौरव भाई जी देखिए, गौरव भाई बात वही आ गई जी, लड़ना समाजवादियों से ही है, भाजपा के बारे में एक बात नहीं कही, भाजपा की जो कहे तो है भाई, कहे तो है कि गरीबी पे लड़ेंगे, महंगाई पे लड़ेंगे, अरे धीरे से कह के निकल गए गौरव भाई, सुनेंगे कहा जी, सुनेंगे कहा। अच्छा जब कह रहे हैं कि आवाज उठाते हैं, जब रामगोपाल आवाज उठा रहे तब उसी पे सवाल उठा देते हैं समाजवादी भाई, जब आवाज उठाई जाती है तो आवाज पे भी सवाल उठा देते हैं जी। भाई साहब 2017 से कौन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, आप ये बताइए। हाँ हाँ, आप तो आप तो लड़ रहे हैं, आप तो अपने अपने लोगों की लड़ाई तो लड़ नहीं पाए जी। आज हम गौरव भाई बोलने तो दीजिए, चुप तो कराइए, जवाब भाई जवाब लड़ रहे हैं भाई, आपका हो गया गलत बात बोले जी जी जी, गलत बात बोलेंगे मैं रोकूंगा। तारिक भाई तारिक बोलिए, इखलाक भाई गलत कहाँ बोल रहे हैं बड़े भाई, आप जहाँ गलत लगे वहाँ रोक दीजिए कि चुप जाइए, मैं चुप जाऊँ जी। बोलिए तारिक भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सबसे बड़ी से शुरू किया था कि हम ही से लड़ने आए जी, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ समाजवादियों से लड़कर समाजवादियों का नुकसान पहुंचाना है, इन डायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को तारिक भाई उनको दर्द आपने दिया तो दवा किससे मांगेंगे? क्या बात, जितने दर्द दिया तुम्हें दवा दोगे, दर्द आपने दिया तो दवा किससे मांगे? तारिक भाई विवेक भाई कह रहे हैं दर्द आपने दिया दवा किससे मांगे? अभी दर्द नए मुरली मनोहर जोशी जिनका नितिन गडकरी नाम है, नए लालकृष्ण आडवाणी जो आपने दर्द दिया है, नए लालकृष्ण आडवाणी जो पैदा हुए हैं जिनका नाम नितिन गडकरी है, उनको दवा कौन देगा? खैर उस पर मत जाइए अभी श्रीवास्तव साहब जी, अब मेरी बात थोड़ा सा सुनिए जी, मैं देखिए गौरव भाई कितनी जबरदस्त मिर्ची लग रही है श्रीवास्तव जी को, शिवपाल लग रही है जी, ये शिवपाल जी को दर्द आपने दिया है वो आपका दर्द अपने खतों में बयां करते हैं, उनको दवा कौन देगा? अगर वो आपसे दवा की मांग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको जी? आप नितिन गडकरी जी पे, नितिन गडकरी जी भारत सरकार के मंत्री है और क्या चाहिए? अरे नए नए मंत्री भी है और नए लालकृष्ण आडवाणी भी है। अच्छा, आप अपना विचार आप कहते रहेंगे, पार्टी जनता पार्टी जो लेता है वो है जी, नहीं ठीक है हम कहेंगे और आप अब सुन लीजिए, आप बीच में हमने आपको रोका नहीं था ठीक है, बोले बोले वास्तव जी ये गलत बात है, बोले तारिक भाई बोलिए बोलिए, ये गलत बात है, हमने रोका नहीं था। तारिक भाई बात पूरी कर दीजिए, आप तो दवा मांग रहे हैं, आप घुमा करके भाजपा खिलाफ खड़ा कर दे रहे हैं उनको, अरे दर्द आपने दिया दवा तो आप ही देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दवा हमसे नहीं मांग रहे, वो दर्द आपने दिया, किसने दिया दर्द उनको? जो खतों में उनका दर्द बयान होता है किसका किसका दर्द दिया हुआ है, ऐसा दिखा रहे हैं कि दवा समाजवादी से चाहिए, असल में दवा आपसे ही चाहिए, मतलब दवा आपसे, मतलब वो जो जो दर्द बयान करते हैं खतों में वो क्या वो बेवजह है? देखिए ऐसा है गौरव भाई, मेरा सीधा सा कहना ये जी कि इन्होंने आपने देखा, मैं कह रहा हूँ आपने मोर्चा बनाया, जैसे आप देख लीजिए किसानों की रणनीति सामने आ जाती है,
कि हम इन मुद्दों पे ऐसे ऐसे प्रदर्शन करेंगे। ये मोर्चा किस लिए बनाया गया? ये मोर्चा इसलिए बनाया गया कि कहीं ना कहीं समाजवादी को आने वाले लोकसभा में 10-20 हजार वोट काट के 2-4-10 सीटें हरा दी जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और वही से शुरुआत की थी। इन्होंने कहा दोनों लोगों से लड़ना है, तो पहले तो समाजवादियों से ही इनको लड़ लेना है पूरी लड़ाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आने के बजाय हम ही से लड़ने लगे। अरे जब आप साथ उनको रखते हैं तो कहां साथ आओ, लड़ाई लड़िए। लेकिन इनकी जो इंटरनल सेटिंग है वो प्रवक्ताओं में भी दिख जाती है। वो कहेंगे शिवपाल साहब को कुछ कहो अजीब इनको लगेगा, आडवाणी साहब को कुछ कहो तो नहीं अजीब लगेगा। आडवाणी साहब का दर्द नहीं, आप आडवाणी साहब को अजीब कहेंगे, मुरली मनोहर जोशी को अजीब कहेंगे। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया। शिवपाल जी को आपने जिस तरह से दूध की बख्ती बना रखा है, इसके लिए अखिलेश यादव क्यों नहीं जवाब देते? शिवपाल जी का दर्द रह रहे के छलक आता है जी। हमारे किसी नेता ने कोई दर्द कहीं आपको बयां किया तो आप बता दीजिए। आडवाणी जी ने ये दर्द बयान किया, मुरली मनोहर जोशी जी ने ये दर्द बयान किया, गडकरी जी ने दर्द बयान किया, कहीं किसी ने कोई दर्द बयान किया तो आप बताइए। मार्गदर्शक मंडल में कई नेता है भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक मार्गदर्शन मंडल की मीटिंग क्यों नहीं कराई? ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये हमारा आंतरिक विषय आप थोड़ी तय करेंगे। हम तो शिवपाल जी के उन खतों पे बात कर रहे हैं जो उन्होंने दर्द बयान किए उन खतों में। ठीक है ठीक है, उन खतों का दर्द बता दीजिए। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य जी कि आज तक मीटिंग क्यों नहीं हुई, इसका जवाब आप दीजिए। मीटिंग क्यों नहीं हुई आज? ये आप नहीं पूछ सकते ना, ये हमारा आंतरिक विषय है तारिक जी, ये आपका विषय नहीं है। पूछ सकते हो कि अखिलेश यादव कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं? हम ये नहीं पूछते। साहब शिवपाल जी को इतना दर्द आपने क्यों दिया कि वो दर्द खतों में दिखाई देता है? हम तो ये पूछ रहे हैं, पहले ये हम खतों का दर्द का जवाब शिवपाल साहब को दे देंगे। आप मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग का वो दर्द वो खत मीडिया के सामने आते हैं, पब्लिक के सामने आते, पब्लिक डोमेन में है। हम भी पूछ रहे, पवन जी भी पूछे, मीडिया भी पूछेगा, आप उस दर्द का जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल पूछिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कितने सवाल खड़े करती है समाजवादी के, आपको एहसास है? जी हमारा संगठन बंद हो गया, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी? हम किसको कहां पर अखिलेश साहब के पर्सनल लेवल के सवाल आप उठाते हैं और हम मार्गदर्शक मंडल पे सवाल उठा रहे हैं? जनता पार्टी को इससे कोई वास्ता नहीं। शिवपाल जी ने जो खतों में बयान किया है उसका जवाब शिवपाल जी को दे दीजिए। हमारे साथ हमसे क्या मतलब कि आप छुट्टी मना ले लंदन जाए या विदेश चले जाए? चलिए ठीक है, चलिए पार्टी चलाए, चलिए ठीक है ठीक है, बाहर ना निकले। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आपके साथ है। चलिए ठीक है ठीक है, आप इसी कमरे में बैठे रहिए। ओम प्रकाश राजभर, चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया, जवाब दे दीजिए। हो गया हो गया, अभी आगे मतलब आप चुनाव में खूब पार्टी। तारिक भाई अभी जवाब लेता हूँ, कमरे से बाहर ना निकले। तारिक भाई अभी जवाब लेता हूँ, हमारे भाई के साथ में है भाई और साथी भी है। सही है मोहम्मद तकी भाई, कुछ कह रहे हैं तकी भाई, बोलिए। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बात को थोड़ी सी बात रघुकुल की भी कर ली जाए जी। यदुकुल की तो बात कर बहुत कर ली आपने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रामायण हमने पढ़ा है। और जो आम आदमी पार्टी ने 72 वादे किए, सारे वादे पूरे कर दिए, मोदी जी ने वादे किए थे, आज भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा। और जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, जो शराब नीति में घोटाला पकड़ नहीं पाए, एक बार तक लॉकर में कुछ मिला ना, घर में कुछ मिला, कुछ आप साबित नहीं कर पाए, शोर मचाते खाकुआ के लिए आपने राजपाल घोटाला करके आए हैं। अरे हम आम आदमी पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी ने किसान बिल बना दिया फिर वापस लिया भारतीय किसानों की शहादत के बाद। हम आम आदमी पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। किसान बिल बना दिया, सीएनआरसी बना दिया, वापस लेना पड़ा, उसके बाद वापस ले लिया, आपने वापस चार बिल ले। अरे हम जनता को समझने का सम्मान करते हैं, आपने 72 लोगों के माध्यम से 700 बनने का इंतजार नहीं किया, 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद किसान बिल वापस लिया, राजनीतिक पार्टी का मामला है। अपने
पा रहे हैं। वरुण गांधी की बात करिए ना, क्या राज्य पा रहे हैं आप? नीचे चार क्यों बनाई थी? क्यों वापस की बात करिए ना? क्यों बनाई? क्यों वापस? आप कहते सारे लोग ज्यादा बीजेपी पैसा कमाया, ये दिल्ली सरकार को चूड़ा लगाने का काम। अरे बारी बारी बोले भाई, आवाज समझ में नहीं आएगी। अरे भाई बारी बारी बोलिए, दर्शकों को समझ में क्या आएगा? भाई अरे भाई विवेक भाई, विवेक भाई हो गया हो गया हो गया, भाई हो गया मोहम्मद तकी भाई, तकी भाई हो गया हो गया। बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। पार्टी नहीं डरेगी आपसे, अब आंखों में आंखें डाले बात करेंगे, अब बराबर से बात करेंगे। आप बीजेपी की आदत चली जा रही है, जवाब देंगे। अरविंद सिंह दे दिए आपको, सोनिया की आदत कब जाएगी आपको? अरविंद केजरीवाल की आदत कब जाएगी? आपकी आदत कब जाएगी? वादे किए थे 2014 में, करते हैं वही महंगाई की क्या बात है? हो गया, क्या कर रहे हैं जो इस तरह पर पर चल रहे हो? हो गया हो गया, बच्चों के दूध हो गया। बाकी मेहमान बोलने दी भाई, भाई मुद्दा यहाँ दूसरा है, यहाँ मुद्दा दूसरा है। भैया विवेक भाई हो गया, तकी भाई विवेक भाई तो हो गया भाई। नेताओं की यही क्वालिटी है जो अभी आप लोग हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है जी, जो भी लाइव देख रहे थे, जनता जो देख रही थी, यही नेताओं की क्वालिटी है जी। आप भाई साहब प्रवक्ता महोदय आम आदमी पार्टी के, अभी भाजपा के ऊपर चढ़े हुए थे तेज आवाज में, ध्यान दीजिए मेरी बात को, दिल्ली में क्या क्या हुआ है, हम लोग तीसरे दिन रहते हैं, हम देखते हैं कितना विकास हुआ है, कितना घोषणा पत्र किया है, कितना पूरा किया है। आप भी उत्तर प्रदेश बताते हैं, आप जाइए स्कूल, मेरी बात को सुनो, हम तो दे रहे हैं, मेरा देखा हुआ है। सैयद साहब एक मिनट बोल लेने दीजिए मुझे, बोले शोर मचाने से फायदा नहीं है, शोर मचाने से फायदा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, आप पत्र में भी देख लीजिए। देखिए हम किसी पक्ष की बात नहीं करेंगे, ना भाजपा ना सपा किसी की बात नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप 25 साल पहले चले जाइए, यहाँ जंगल राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। गौरव जी, हमारी माताएं बहने सुबह 5 बजे जाती थी खेत खनियान बगीचे में जाती थी, दिन भर खाना नहीं खाता। एक मिनट रुक जाइए, सही साहब, दिन भर भोजन इसलिए नहीं करती थी कि बच के कहां जाएंगी, कहां जाएंगी। आज मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जो भी है जिस भी पार्टी के हैं वो, आज उन्होंने कर दिया घर घर शौचालय। अरे ये तो 40% यही गलत फहमी है, सुनिए, यही गलत फहमी है। आज हर घर में शौचालय का निर्माण कराया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हंसिए, सुनिए, आप याद होगा हम आप सभी बचपन में थे, जब 12 साल 15 साल के हम 20 साल के हुआ करते थे तो हमारी माताएं जब चूल्हे में खाना बनाती थी आंखों से आंसू निकलता था। ध्यान दीजिएगा सर, आप भूलिएगा नहीं। आज मोदी जी ने जो किया है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे मेरी बतिया तो सुनिए, आप सुनिए, आप विपक्ष आप करिएगा जो कहना है। हम ये बताना चाह रहे हैं, जिसे आप विवेक जी के ऊपर चढ़े हुए थे कि क्या किया है उन्होंने, जितने भी घोषणा पत्र में थे एक एक करके नो डाउट जनता जागरूक हो गई है। मेरी बात को समझिएगा, काम पूरे हो रहे हैं। आप भी आइए, आप मेहनत करिए, आप भी जीतिए। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, अगर बेवकूफ बनाएंगे तो समाजवादी पार्टी का हश्र होगा, मायावती जी का हश्र होगा। अब एक निवेदन गौरव जी हम करेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनको हम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में एक चीज बताना चाहेंगे कि आपके प्रदेश में अगर पत्रकारों के ऊपर, अभी 3 दिन पूर्व की घटना है, गोंडा जनपद में उमानाथ तिवारी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने एक अस्पताल के बारे में खबर लिखी, समझिएगा सर, उस खबर के ऊपर उस कर्मचारियों के ऊपर जो है कार्रवाई करने के बजाय
उसी व्यक्ति के ऊपर, उसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर लिख दिया गया। आज माननीय ब्रजेश पाठक जी ने उस पर जांच तीन लोगों की समिति गठित की है, जिसमें सीडीओ भी वहां के एसपी भी हैं, तीन लोगों की समिति गठित की है। लेकिन ये ना हो कि समिति गठित करना पड़े और ना ही पत्रकार, अगर लेखनी पे आप रोक लगाएंगे तो एक चीज जान लीजिएगा विवेक जी, एक चीज जान लीजिएगा, अगर लेखनी पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय मजदूर संघ की यूनिट प्रदेश अध्यक्ष हमें वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के, हम किसी भी हालत में आपके साथ नहीं होंगे, हर तरह से विरोध दर्ज कराएंगे, ये जान के चलिएगा। ठीक है, जल्दी बात पूरी करिए, खत्म करता हूँ, जल्दी बोलिए बोलिए एकलाख भाई, जल्दी बात करिए, खत्म करिए एकलाख भाई, जल्दी बात पूरी करिए, खत्म करिए। ठीक है सर, उनको आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर हमारा चर्चा का विषय कुछ और था, और जिस तरह से यहां पर चर्चा केवल केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर पर इतनी लंबी गई, यहां सुनने का कुछ मौका ही नहीं मिला। यहां जो मुद्दा था वो यरुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत का मौका था, यहां मौका यह था कि इस उद्देश्य के माध्यम से यहां पर कोई राजनीतिक छलांग लगाने की बात की जा रही है, या इस मिशन के माध्यम से यहां पर किसी वोट बैंक को अपना बनाना है या अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है, या किसी को आने वाले चुनाव में झटका देने का प्रयास भी यहां किया जा रहा है। खैर, शिवपाल सिंह यादव की अपनी रणनीति है, उनका दल है, उनकी घोषणा है, इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से राह लंबी खिंचती जा रही है, आने वाले समय में इसका एक साथ हो पाना बहुत मुश्किल है। और निश्चित रूप से आने वाला 2024 का चुनाव गठबंधन का होगा, महागठबंधन का होगा, या फिर निष्पक्ष एक तरफा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर स्पष्ट साफ है कि जिस तरह से जो लोग चुनाव में मेहनत करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के लिए काम करते नजर आएंगे, सत्ता उन्हीं के पास होगी। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।